की सलाह आ रही है। डीसीएम श्रीराम, आप स्क्रीन पे कुछ समय पहले खबर आई थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक प्लांट ये सेटअप कर रहे हैं, उसको लेकर एक डेवलपमेंट आई थी। डीसीएम श्रीराम, कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, डेज हाई के करीब है। कुणाल सर, कोई राय बन रही है सर इस स्टॉक में? देखिए, एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज नेहा, और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स मुमकिन है। स्टॉक काफी अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है और एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए 1200 रुपए के आसपास है। हमने देखा है कि पिछले कई महीनों में 1200 के लेवल्स को पार नहीं कर पाया और अभी ये 1200 के काफी करीब ट्रेड कर रहा है, तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं। मुझे लगता है थोड़ा वेट करें स्टॉक को, एक बार ये जो रेजिस्टेंस जोन है 1200 से लेकर 1225 के बीच में इसको पार करने दें, और अगर उस तरह का डिसाइसिव ब्रेकआउट स्टॉक देता है तो मुझे लगता है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा, फिर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। फिलहाल जिनके पास पोजीशन है 1100 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। ओके, ये राय बनती हुई फिलहाल डीसीएम। एक बार डिलीवरी पर नजर डाल लेते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ आज यहां पर भी बनती हुई